नमस्कार। खेतसँ खलिहान तक, घरसँ बजार तक, आवाजविहीनक आवाज 24 घण्टा निरन्तर अहाँ सभक सङ्ग ई अछि कृषि टेलिभिजनके नियमित कार्यक्रम मधेश दर्पण आ हम छी प्रवीण। तऽ दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मधेश दर्पणमे खास कऽ कऽ तराई मधेशके किसानक विषयवस्तु प्रस्तुत करैत आबि रहल छी, मुदा मधेशसँ सम्बन्धित साहित्य, संस्कृति, भाषा आ ओतयके गीत सङ्गीत आदि इत्यादि हरेक विषयपर हमसभ चर्चा परिचर्चा करैत आबि रहल छी। ताहि सन्दर्भमे एखन अछि मिथिलाक माहौल विद्यापतिमय माहौल अछि। कार्तिक धवल त्रयोदशीके दिन विद्यापति, महाकवि विद्यापतिके जे छै से अवसानके हमसभ रूपमे, एकटा पर्वके रूपमे ओहि दिन मनबैत आबि रहल छी, महोत्सवके रूपमे मनबैत आबि रहल छी। ताहि सन्दर्भमे आजुक कार्यक्रममे हमसभ चर्चा परचर्चा करबाक लेल भाषा संस्कृति विज्ञ, ओतबे नहि पुरातत्व विभागमे सेहो एकटा वरिष्ठ रूपमे नेपाल सरकारके जे छै से कर्मचारीके रूपमे जे छै से ख्याति प्राप्त छथि आ विभिन्न शोध अनुसन्धानमे सक्रिय रहै छथि। मिथिला लिपिमे सेहो हुनकर मिथिलाक्षरके जे छै से प्रथम पुस्तिकाके रूपमे प्रकाशित भऽ चुकल अछि, ओ छथि गोपाल झा जी। आओ हुनका स्वागत करी कार्यक्रम मधेश दर्पणमे। स्वागत अछि अपनेके कार्यक्रममे। धन्यवाद। सबसँ पहिले जे एक तऽ अपने जे छै पुरातत्व विभागमे कार्यरत आ दोसर दिस अपन भाषा आ लिपिपर एतेक बेसी शोधके अपने आगू बढ़ाबऽके जे सोच लऽ कऽ आगू बढ़लियै, कोना कऽ? एकटा संयोग कहबाक चाही, हम पुरातत्व विभागमे तऽ बादमे एलहुँ। जी जी। आओर ई हमरा लगैत अछि जे अपन भाषा संस्कृति प्रति लगाव आओर उत्तरदायित्व जे अइ से हमर विषय अपन विषय नहियो भऽ कऽ ओ हमरा आकर्षित केलक ओ बाल्यकालसँ। जी जी। हमरा स्मरण अबैत अछि हम जखन 9 कक्षामे पढ़ै छलहुँ तऽ ओहिठमन हमरा जे छै से एकटा कोनो कविता लिखऽ लेल चाहे वाचन करऽ लेल कहल गेल आओर हमर बहुत बाल्यकालमे ओ हम अपना मिथिलाक्षरमे लिखकऽ जे छै से ओहिठमन हम देखलियनि, ओहिठाम 9 कक्षामे रहैत। तऽ ओकर कारण ई छलै जे ओहि समयमे मिथिला मिहिर जी पटनासँ प्रकाशित होइ छलै, ओ बहुत स्तरीय मैथिलीके पत्रिका छलै आओर हमर ज्येष्ठ भ्राता जे छथि जे जिनका अहाँ जनै छियनि जे मैथिलीके प्राध्यापक छथि, ओ विभागीय प्रमुख सेहो छथि, तऽ ओ जे ओ तहिया हुनकर विषय मैथिली छलनि। जी जी। ओ राणा बाग कैम्पसमे जे छै से ओ पढ़ै छलाह। की नाम? डॉक्टर प्राध्यापक पशुपतिनाथ झा। जी जी। हुनकर नामसँ जे छै से मैथिलीके क्षेत्रमे केओ अपरिचित नहि अछि। हँ। तऽ ओ पढ़ै छलाह IABA जी आ हम पढ़ै छलहुँ इसकुलमे, तऽ हुनकर जे छै से ओ जे पढ़ै छलाह जे तकर प्रभाव आब ओ नैना भुटका जे छै से मिथिला मिहिरके नैना भुटका बहुत प्रसिद्ध छलै ओहि समय। तऽ ओ जे हुनका लगमे जे पत्रिका अबैत छलनि तऽ हम नैना भुटका पढ़ै छलहुँ आओर ओकर कवर पृष्ठके भीतरमे मिथिलाक्षर जे छै से देल रहैत छलैए। एक दूटा अङ्क हमरो लग। हँ, बहुत पुरानके बादमे तऽ बन्द भऽ गेलै। तऽ ओ हमरा किछु जे छै से ओ एकरा कहबै संस्कारजन्य बात कहबै जे हमरा सभके पूर्वके संस्कार जे अइ ताहिसँ केलक आओर ई संयोग कही जे हम बादमे जा कऽ जे छै से पुरातत्व विभागमे हमरा काज करऽके अवसर भेटल जेकि ओहिसँ आओर जे छै वातावरण ओ बनैत गेलै। तऽ मिथिलामे जे छै से अपनेके नेतृत्वमे विभिन्न अनुसन्धान सभ सेहो भेल छै जे राज परिवार सभके जे छै जे खण्डहर सभ बनि गेल छै ताहि सभमे सेहो अपने अनुसन्धान कयने छलियै। हँ, हम जे छै से ओना विषय हमर फर्क यऽ, हम तऽ इंजीनियरिंगके फील्डके लोक छी हम, तऽ हमर जे अइ से एहिमे अपन अपन इंटरेस्टके विषय भऽ गेली। जी। तऽ ओहिठाम तऽ छै नहि केओ, संयोग छै जे पुरातत्व विभाग तऽ छै मुदा पुरातत्व विभागमे मैथिली विषयके अनुसन्धान करयवला लिपि विशेषज्ञ तऽ ककरो नहि रखने छै। हँ, कारण ओ काठमाण्डू व्यस्त छै। तऽ ओहिमे एकटा सुविधा भऽ गेलै जे हम हुनका सभके सहयोग करैत रहलियनि आओर हमर अपन जतेक काज भऽ जाए, हम तऽ लिपि मात्रे नहि, अहाँसभ हमसभ तऽ बहुत सङ्गे सङ्गे काज कयने छी। हमर जे छै से अखिल नेपाल मैथिली
साहित्य परिषद के जे छै से सलकर नेपाल मैथिल समाज मैथिल महासंघ एहि सबमे जुड़ल होबाक कारण जे छै से हमरा एकटा बढ़िआँ प्लेटफॉर्म पुरातत्व विभाग सेहो भेटल ओहिसँ पुरातत्व विभागके कारण मैथिलीके माटि पानि ओकर भाषा साहित्य संस्कृतिके सेहो एकटा बड़का अवसर नेपालके अवस्थामे देखल जाइ तऽ भेटलै अपनेसँ नहि छै से नहि ई एकटा सही है। दोसर दिस हम एहि दुआरे जे छै से अपनेके अनुसन्धानके विषयके जोड़लहुँ जे विद्यापतिके वास जे छलनि बनौलीमे ओ कोन बनौली हँ ओहिमे एकटा छै ओहिमे अपनेके महत्वपूर्ण भूमिका देखल गेल छै। हँ ओहिमे छै मुदा एकटा की छै जिम्मेदार पदाधिकारी भेलाके कारणे जी जी हम जौन मात्र गामसँ किछु कहितियै तऽ हमर निश्चित भऽ कऽ हम जे छै से हमर गामके नजदीकमे बनौली छै वएह छै हम बेसी जोर दैतियै। जी जी हँ कारण ओहिमे जे छै से डॉक्टर धीरेन्द्रसँ लऽ कऽ रामचन्द्र बहादुर सिंह जे बहुत प्रसिद्ध लोक छथि जनकपुरके लेल जे मने प्रिंसिपल छलखिन कैंपस चीफ छलखिन बादमे जाकऽ मने वी सी सेहो भेला आओर प्रोफेसर ओ इतिहासक विद्यार्थी छलाह जी जी जे राजदूतो भेला आओर जनकपुरके कैंपसके जे छै से विकासमे हुनकर बहुत बड़का योगदान छल बहुत मने पर्सनैलिटी हुनकर बहुत नीक छलनि तऽ ओहो अपन उल्लेख कऽ देलखिन जे कि ई बनौली छै महतौरीके बनौली जे छै से छै एहिमे जे छै से एहिमे ओहिठमनके किछु विद्वान सभके स्वाभाविक छलै जे ओहिठमन लिखल जेतै आओर ओहिठाम किछु पञ्जिकारो सभ छथि ओहिठमन बनौली अपना सभके पञ्जिकार सभ ओहिठमन छथि तऽ ई सभ परिवेश ओ गढ़ सेहो एकटा डीह जे छै जे सेहो छै एकटा पोखरि सेहो छै जकरा लक्ष्मी पोखरि कहै छै ओ डीह छै ओहिठमन खेत सभ खनलाके बादमे निश्चित भऽ कऽ पुरातत्वके स्थल छै ओ जी जी हँ भागवत पोथी जे छै से लिखेलै ओहिठमन आओर सभ लिखेलै ई सभके कारणसँ निश्चित भऽ कऽ आओर एहिमे सभसँ बड़का बात भेलै जे जनकपुर कॉलेज भेलाके कारणे तहिआ आओर कोनो विशेष अनुसन्धान तऽ ओहिके सम्बन्धमे तऽ भेलै नहि तऽ ओहिठमन जे नजदीकमे बुझेलै जे तऽ ओसभ अपन एकटा लिपिबद्ध जे छै से कऽ देलखिन आओर महत्वपूर्ण बात भेलै जे विद्यापति पदावलीके नेपाली अनुवाद जी जे प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँ 2027 सालमे प्रकाशित छै ओ कृष्ण प्रसाद उपाध्याय जी जे ओहिठाम नेपालीके प्राध्यापक छलखिन जनकपुरे कॉलेजमे छलखिन तऽ ओ एकदम वातावरण छलै तऽ ओहोमे उल्लेख छै जे महतरीके बनौली जे जनकपुरसँ 5-6 किलोमीटर दक्षिण अइ छै ई चीज ओहोमे उल्लेख छै तऽ बहुत दिन तक इएह भेलै जे ओ बनौली छै। आब अहाँ हमरा कहि देलहुँ जे पुरातत्व विभागसँ जुड़ल छियै पुरातत्व जे छै पुरातत्व एकटा एहन विषय छै जे बिना प्रमाणके जे छै से ओ स्वीकार नहि करतै जी हम जखन ओहि संस्थासँ हम जुड़ल छियै तऽ हम विगत आइ हम जे छै से 24 वर्षसँ ओहिमे काज कऽ रहल छियै लोक हमरा मानैए जेकि मैथिलीके क्षेत्रमे सेहो काज कऽ रहल छथि हमरासँ पूछैए लोक निश्चित रूपमे मिथिलावासी तऽ जानिते छथिन जे छै अपने मैथिली क्षेत्रमे काज करै छी लेकिन अन्य भाषा भाषी सभ सेहो अगर ओ स्थान दैत तखन जे छै से सार्थक जीवन सार्थक होइ छै तऽ ओहिके जे छै हम सहयोग करैत रहलियै ओहि क्रममे ओ लिपिके पुस्तको अहाँ जे चर्च केलहुँ जे हमरा प्रकाशित करऽ पड़ल ओहि चीजके जे लोक बुझौ जे कि ई जे छै से किएक तऽ ओहिमे 2000 मने ओहिठमन 2000 से बेसी ग्रन्थ ओहि लिपिमे छै पुरातत्व विभागके राष्ट्रीय अभिलेखालयमे आओर आब जे छै अहाँके लिपि ओ पुस्तक पढ़यवला लोकके अभाव भऽ गेलै आब निश्चित ओ पंडित गोविन्द झा सभ आब जे छै ओ आब आबि कऽ नहि करथिन ओहिके तऽ ओ वृद्ध भऽ गेला ओ जे छै से जी हँ जकान्त मिश्र सभ उमेश मिश्र सभ आबि कऽ जे छै से उम्हरसँ विद्वान सभ जे छै से आबि कऽ ओ कयने छलखिन लेकिन आइ हमरा दुखद एकटा ई स्थिति ई अइ जे मैथिलीके पढ़ाइ एहिमे तक तऽ होइ छै हमरा लगैए बड़ कम लोक सक्षम छथि जेकि ओहि ग्रन्थके जे छै से मने काठमाण्डुमे देखल जाय तऽ सीमित अंगुरी पर गिनल जा सकै छै जे 5-6 गोटा सँ बेसी मिथिलाक्षर के छै से ज्ञान नहि रखै छै से ज्ञान नहि ओहो ज्ञान से नहि पहुँच रहल छै कारण ओ पुस्तक पढ़ऽ वला के ओहो सँ ओतबो सँ नहि पहुँच रहल छै निश्चिते किएक तऽ हम पढ़ि सकै छी मुदा हमरा ओ विषय पर पढ़ऽ पड़ल जाय तऽ हमरा कठिन भऽ रहल स्वाभाविक छै तऽ एकटा जे छै से हमर एकटा मैथिलीय विभागसँ एकटा स्मारिका प्रकाशित भेलै डॉक्टर धीरेन्द्र एकटा संयोगसँ एकटा हुनकर नाम लिया गेलकै सन्दर्भित छै डॉक्टर धीरेन्द्रके पर केन्द्रित भऽ कऽ
एकटा इस मालिका प्रकाशित भेल रहे मिथिनम्स, ओहिमे हमर एकटा लेख छल जेकि मिथिलाक्षर एकटा अनुसन्धान केन्द्रके रूपमे जे छै से जनकपुर कॉलेजमे स्थापना कयल जाए, ओकर ओहिमे हम देने छलियै जे एकटा तीन विषयके हम मानने रही, ओहिमे स्मरण चलि आयल जे इसकुलेसँ अहाँ पढ़ायल जाए इसकुल मिथिलाक्षरके, भले ही दसे नम्बरके रही, इसकुलेसँ लोकके ज्ञान भऽ जाए जे मिथिलाक्षर छै। जखन ई हमर लेखमे हम उल्लेख केलियै, आओर आइए जखन ओ पढ़ै छथि प्लस टू, तऽ प्लस टूमे जे छै से ओ संयुक्ताक्षर सब जे छै से लिखऽके अवस्था जे छै से प्लस टू तकमे आबि जाइ छै जे मैथिलीसँ पढ़ि रहल छथि, तऽ आओर जखन ओ स्नातक जखन बी ए जखन ओ जहन ओ करै छथि जखन तऽ हुनका नीकसँ जे छै से लिखऽ आबि जाइ छै। बी ए यदि ओ स्पेशल मैथिलीसँ करै छथि जे तऽ मिथिलाक्षरके जे छै से ई आबि जाइ छै, तखन एम ए जे करै छथि जे तिनका कमतीमे जे छै से एकटा कोर्स एकटा सिलेबस एहन डिजाइन कयल जाए जे अभिलेखालयमे जे हस्तलिखित ग्रन्थ सब छै जे तकरा ओ पढ़ि सकथि, ओकरा अनुसन्धान करथि, एकटा विषय कम्पल्सरी ओकरा कऽ देल जाए, तखन ओकर संरक्षण हेतै निश्चित रूपमे। एखनो तक जे छै से मैथिलीके जे पढ़ाइ भऽ रहल छै प्राथमिक तहमे या माध्यमिक तहमे, ओना जे छै से प्लस टूमे सेहो पढ़ाइ तऽ शुरू भऽ गेल छै, लेकिन ओकरा ऐच्छिक रूपमे राखि देल गेल छै, जाहि कारणसँ सेहो अनिवार्य अगर कयल जाए तऽ ओ बेसी उपयुक्त रहतै। हँ, ओतबे नहि, एकटा तऽ किया नहि लोक पढ़ै छै, हम तऽ कहबै जे लोकसेवा आयोगमे जे छै से जी सेहो एकटा पाँच नम्बरके जे छै से लिपिकपर कोनो राखि देल जाए, तऽ ईसब आब हेतै। हमसब जे काज केलियै केओ सोचलो नहि छलै निश्चित रूपमे, जे ई काज बहुत बड़का बात छै जे लोकसेवा आयोगमे सेहो लिपिक अगर राखि देल जाए तऽ जे नेवारी लिपिमे जे छै से नेवा लिपिमे लिखऽवला छथि पढ़ऽवला छथि ओ अपन ओहि लिपिमे लिखैत, मिथिलाक्षरके जे छै मिथिला लिपिमे जे लिखऽवला छथि ओ मिथिला लिपिमे लिखैत, तऽ ई एकटा तऽ बहुत बड़का प्रश्न देल जाए। तऽ एहिमे एकटा बहुत इंटरेस्टिंग बात छै, हमसब जे लिपिके बात केलियै जी जी तऽ तहिया लोक कल्पनो नहि कयने छलै जे स्थिति बदलतै जी नहि। कारण की होइ छै जे एहि 4000 ग्रन्थ अभिलेखालयमे किया छै, 2000 तऽ हस्तलिखित ग्रन्थ छै ओहिठाम, 2000 माइक्रोफिल्म 1200 माइक्रोफिल्म कयल छै जी जी 2000 अतेक मतलब एहि संख्यामे, तऽ हस्तलिखित ग्रन्थ सब जेकि दरबारके ओ भाषा छलै, मल्ल कालमे ओ दरबारके भाषा छलै मैथिली निश्चित रूपमे, तऽ आइ उपेक्षित भऽ गेलै। एहि शाह कालमे जे छै से नेपालिये एकटा जे छै से के भाषापर जोर देल गेलै, नेपालीमे अर्थात खस भाषाके, खस भाषाके जकरा एहिसँ नेपाली कहै छै कि ओ गोर्खा भाषा कहै छै, भारतमे जेबै तऽ ओसभ गोर्खा भाषा कहै छै जी, ओसभ नेपाली भाषा नहि कहै छै ओ गोर्खा भाषा कहै छै, एहिठाम आब खस भाषा कहतै जी। हँ, किएक तऽ नेपाली भाषा तऽ सब भऽ गेलैए आब, तऽ जतेक एहिठाम नेपालके भाषा छै ओ सब नेपाली भाषा छै, नेपालके भाषा संविधानसँ खस, तऽ ओहिमे जोर देलाके कारणसँ आओर उपेक्षित भऽ गेलै। तऽ आब हम एहि लेल एक चर्च कऽ देलहुँ हँ जे जखन राज्यसँ जहन प्रेरणा प्राप्त हेतै ओकर प्रसिद्ध कयल जेतै तखन ओकर विकास हेतै। आब हमरासभके आब प्रदेश नम्बर 2 जे अइ से मने ओ सम्पूर्ण जे अइ से मिथिला क्षेत्र अइ जी। तऽ हम ई जे छै से प्रादेशिक संरचनापर फेर चर्चा आगू बढ़ेबे करब, एहि बीचमे रहै छै एकटा छोट छीन व्यावसायिक विश्राम। नेपाल पोल्ट्री तथा लाइव स्टक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी 2017 चितवन औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल भरतपुर चितवनमा यही 2074 कार्तिक 17 देखि 19 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोल्ट्री र लाइभ स्टक सम्बन्धी 10 भन्दा बढी राष्ट्रबाट 150 भन्दा बढी सङ्घ संस्था र हजारौँ पोल्ट्री लाइभ स्टक कृषक तथा व्यवसायीहरू सहभागी हुने पोल्ट्री तथा पशुपन्छी सम्बन्धी बृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको आयोजना गरिएकोले उक्त प्रदर्शनी अवलोकन गरी अत्याधुनिक प्रविधिका बारेमा जानकारी लिनुहुन यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। प्रदर्शनीको समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म मात्र हुनेछ। आयोजक नेपाल पोल्ट्री महासंघ।
व्यावसायिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम मधेस दर्पण में। आ आजुक कार्यक्रम में हम सब मिथिला के भाषा साहित्य संस्कृति आ लिपि पर पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध भक महाकवि मैथिली साहित्यक महाकवि विद्यापति पर सेहो चर्चा परिचर्चा के आगाम बढ़ौने छी। आ एहि संदर्भ में भाषा संस्कृति विज्ञ हमरा सब के लग में छथि आदरणीय भाईजी गोपाल झाजी, आ हुनके संगे हम सब चर्चा परिचर्चा के आगू बढ़ौने छी। तऽ भाईजी अखन जे छै ई संघीय संरचना जे नेपाल में अखन जे शुरुआत भेलै यऽ, दू नंबर प्रदेश ओना देखल जाय तऽ एक नंबर प्रदेश के किछु भाग सेहो जे छै से मिथिला में छै, ओकरा लेकिन प्रादेशिक हिसाब सँ बाँटि देने छै, टुकड़ा देने छै। तऽ एहि अवस्था में आबि गेला के बाद दू नंबर प्रदेश के मात्र हमसब मिथिला मानि के चली? नहि, मिथिला जे छै ओ प्रदेश सँ ई राजनीतिक सीमा सँ बहुत ऊपर छै। जी जी, एकर नींव जे छै जे फाउंडेशन बहुत मजबूत छै। जी जी, अते मजबूत छै जे एकरा केओ बिगाड़ नहि सकै छै। जी, कारण राजा जनक सँ शुरू होइ छै, जनक दर्शन सँ शुरू होइ छै और सीता के महिमा ओहिमे जुड़ल छै और विद्यापति सन महान व्यक्ति एकटा एकर एते बड़का नींव एकरा धऽ देने छथिन जे कतबो केओ उजाड़ चाहतै जे तकरा उजाड़ि नहि सकतै। एकरा सन्दर्भ एकटा फेर हम ई जोड़ दी जे हमसब तऽ मैथिली साहित्यके हमर सबके मातृभाषा छियै तऽ महाकवि हुनका कहै छियनि, लेकिन अन्य भाषी सब सेहो हुनका अपन महाकविके रूपमे जे छै से दावी कऽ रहल छथि। ई हमरा सबके गौरवके विषय अइ जे मिथिला खाली विद्यापतिके कारणसँ नहि, हमरा जे अपन अध्ययन अनुसन्धानसँ जे भेटल यऽ तऽ जे हमरा गप्पो बहुत लोकसँ सम्पर्क काठमाण्डूके लोकसँ गप होइए, जेना एहिमे अहाँके हम दू आदमीके नाम एहिमे उपयुक्त हैत जे लेब जे चर्चित लोकसभ छथि, तहन लोक बुझैमे अथी जे की दम छै। जेना तुलसीराम वैद्य जी, जेकि इतिहासके प्रोफेसर त्रिभुवन विश्वविद्यालयके, जी कीर्तिपुर कैंपसके प्रिंसिपल और विभागीय प्रमुख इतिहास विभागके, और बादमे ओ जाकऽ से संस्कृत विश्वविद्यालयके नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयके वाइस चांसलर भऽ कऽ ओ अखन रिटायर भेल छथि। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण नेपालके किएकि इतिहासके लोक छथि। ओ एक दिन हमरा भेटला तऽ कहै छथि हामी पनि तऽ सिमरन, हमरो पूर्वज पनि तऽ सिमरनगढ़बाट आएको हो, हमरो पूर्वज वैद्य थियो त्यहाँ। जी, र त्यसै कारण हाम्रो नाम वैद्य पढ्यो र हामी पनि सिमरन। बहुत महत्वपूर्ण बात छै, निश्चित रूपसँ तुलसीराम वैद्य ई चीज क्लियर केने छै जे सिमरनगढ़के काठमाण्डूपर कते प्रभाव छलै जे अखन तक जे छै से ओतबे टा नहि, अखनो तक भक्तपुरमे जे छै से गोसाउनके गीत मैथिलीमे गाओल जाइ छै। तलेजु एहिठाम जे छै अहाँके हनुमान रोगा लगमे मन्दिर छै जे सिमरनगढ़के कुलदेवता छलखिन। आओर एकटा बात कहि रहल छी, आइ हम नाम लेब ओहि चीजके अवसर जे छै से नारायण मान बीजुक छै। जी, रोहित नारायण मान बीजुक छै, रोहित जे छथि बहुत, ओ हम किछु दिन भक्तपुरमे हम काज करै छलहुँ तऽ हुनकासँ बड़ा बड़ा हमरा भेटघाट होइ छै आ आत्मीयता छल हुनका सङ्गे मैथिलिएके लऽ कऽ। तऽ ओ हुनकर ओ चर्च करै छल जे काठमाण्डू भक्तपुर ललितपुर जतिको नगरको डिजाइन भएको छ सब मिथिलाके विद्वानहरूले वास्तुशास्त्रीहरूले गरेका हुन्। एकटा स्वाभाविक बात छै जे देशके एकटा राष्ट्रिय राजनीतिकके मे जे छै प्रभाव राखैवला व्यक्तिके हम अगर एहि ढङ्गके वक्तव्य हुनाइ जे निश्चित नहि कतौ आइ तक चर्च भेल छल जे हम एहि अहाँके कृषि टेलीविजनके मार्फतसँ एकटा सान्दर्भिक छै बात, अखन समय चलि आयल छै ई बातके चर्च करऽके लेल। तऽ हम एहि चीजके दुनू व्यक्तिके बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिके हम दू विषय प्रसङ्गमे केलहुँ जे तुलसीराम वैद्य अपना कहै छथिन हमर पूर्वज सिमरनगढ़सँ आयल छथि, आओर नारायण मान बीजुक छथि, रोहित कहै छथि जे काठमाण्डू उपत्यकाके नगरके जे योजना बनायल यऽ जे मिथिलाके वास्तुशास्त्री। आब हम विषय एहि लेल फैसा देब चाहलहुँ हँ जे विद्यापतिके किया सब महाकवि कहैके कारण छै। आइ जेना हमरा काठमाण्डूमे देखबै तऽ अमेरिकाके जापानके चाइनाके एक्सपर्ट सब आबि कऽ मने ओकर सर्वे कऽ रहल छै, हमरा सबके नेपालमे विदेशी सब आबि कऽ एक्सपर्ट बजायल जाइ छै। तऽ आब अहूठामे जाइत हेतै कतौ दोसर ठाम जाइ छै जाहिमे विशेषज्ञता छै, तऽ ओहि समयमे अमेरिका जापान आओर चाइनासँ जे छै से नेपालके उपत्यकामे आबऽके अवस्था नहि छलै। सबसँ नजदीक छलै एहिठाम सिमरनगढ़,
मिथिला जकर राजधानी सिमरौनगढ़। ओहो में सिमरौनगढ़ बड़ नजदीक जी। हाँ हम सिमरौनगढ़ के बात कह देलो तो निश्चित भ के ओहिठाम के विद्वान जे छै से ई सब हायर करै छलखिन। ठीक जी। आब रहले जे ओहि समय में मिथिले एकटा एहन प्रांत छलै ओहि समय में रहि गेल छलै भारत वर्षे में जी सुरक्षित चारू भर मुसलमान के प्रभाव भ गेल छलै। अंतिम में आक्रमण भेलै मिथिला पर कारण सशक्त साम्राज्य के रूप में सशक्त रूप छलै जकर इतिहास जे छै से अपने सिमरौनगढ़ छै। इतिहास अगर देखल जाय तो थाईलैंड में थाईलैंड के राज दरबार में सेहो जे छै जकर प्रमाण सब ओ सब अपन अपना के जनक के वंशज कहै छथिन जी। जनक के वंशज थाईलैंड में ओसो कहै छथिन तो वो हमर प्रसंग अखन अध्ययन अनुसंधान के प्रसंग में ई लागल जे ओहि समय में भारत के बहुतो विद्वान सब अध्ययन के लेल जे छै से मिथिले में अबै छलाह। एकर गुरुकुल जे छलै जे बहुत समृद्ध छलै आओर तऽ खत्म भऽ गेल छलै ओहिठमन के जे छै से तऽ खत्म भऽ गेल छलै मुस्लिम शासन के कारण मुस्लिम आक्रमण के कारण बहुत जे छै से माने खत्म भऽ गेल छलै आओर एतऽ के गुरुकुल जे छलै से बहुत बढ़िया संगठित व्यवस्थित छलै ओहि समय तऽ ई तऽ भऽ गेल राजकवि जी। तब आसाम उड़ीसा बंगाल नेपाल एकर दरबार के जे दरबारिया सब जे जे छलाह जे पढ़ल लेल कतऽ जाय छलाह तऽ मिथिला जी। इएह कारण ताहि कारण सँ बंगाली आ लिपि आ मिथिला लिपि जे छै से मिलैत जुलैत भेलाक कारण सेहो बंगाली सब जे छै से महाकवि विद्यापति के सब दावी कऽ रहल छथिन जे हमर छथि। तऽ निश्चित रूपमे कार्तिक धवल त्रयोदशी एहि दिन विद्यापति के अवसान भेल छलनि आओर हमसब हुनका महाकवि के रूप में किया जनकवि किया नहीं एहिमे तऽ आब महाकवि कोकिल विविध नाम सँ हमसब बजै छियै बहुत छनि ओ महाकवि तऽ बाद में कहल गेलै ओ जनकवि छथि कवि कोकिल कहै छनि जी नहि कंठहार हुनका तऽ कंठ में राखल गेल छनि जी जी पुस्तक तऽ बाद में प्रकाशित भेलै ई तऽ मिथिला के मने जन जन में कंठ में बसल ओहि से जीवित ओ जीवित छथि। हाँ ताहि दुआरे जे छै से ई कवि कोकिले कहिके जे छै से हिनका हिनका बेसी अथी करै छनि जनकवि छथि आओर मिथिले के नहि कि ओ तऽ एकटा शुरुआत केलखिन एठन देसिल बैना सबजन मिठा जी के उद्घोष करय वाला पहिल व्यक्ति जे छै से विद्यापति छथि। तऽ आजुक दिन मे सम्पूर्ण मैथिली भाषी सब जतऽ जतऽ विश्व के जै कोन मे छथि ओहिठाम कोनो न कोनो रूप मे कार्यक्रम करैत आ हुनका प्रति जे छै जे सम्मान व्यक्त करै छथिन ताहि सन्दर्भमे एखन काठमाण्डूमे हमसब जे मैथिल सब छी सब केओ मिथिलाके सम्पूर्ण सब जाति होइ कोनो तरहक विभेद नहि कऽ कऽ आ महाकवि विद्यापति स्मृति पर्व मनबैत अबै छी। तऽ आजुक दिनमे हमसब काठमाण्डूमे केहन तरहक कार्य सब कऽ रहल छी केहन तरहक कार्यक्रम सब भऽ रहल छै काठमाण्डूमे 2023 सालमे अखिल नेपाल मैथिली साहित्य परिषदके स्थापना भेल छलै आओर ओ समय छलै राजा पञ्चायतके एकदम युवा अवस्था छलै पञ्चायतके युवा अवस्था आओर ओहि समयमे मने राजा छलाह राजा महेन्द्र जकरा कि मौबीबी शाहसँ लोक जनै छनि कविके रूपमे तऽ ओहिठमन साहित्यके वातावरण छलै ओहि समयमे ताहि दुआरे मधेशके बात कहिए तऽ इहाँ मधेश पार्टी तऽ नहि छलै कोनो नहि छलैए या तऽ कोनो ईसब तऽ नहि छलै नहि आओर सब पोलिटिकल पार्टी तऽ छलै अधिकारके लड़ाई अपन भाषाके माध्यमसँ साहित्यके माध्यमसँ लोक लड़ै छल। ओहि समयमे की छलै जेकि मधेशके बातके उठबऽके लेल सबसँ सशक्त माध्यम जेकि दरबारोसँ प्रश्रय भेटऽवला विषय छलै साहित्यके निश्चित अनुमान कयल जा सकै छै निश्चित ई हम मात्र अहाँ अनुमान कऽ सकै छियै जे 2023 सालमे 17 सालमे पञ्चायतके मने उत्थान भेल छै आओर 23 सालमे राजा महेन्द्र 28 सालमे स्वर्गीय भेल छथि तऽ 23 सालमे जे छै से अखिल नेपाल मैथिली साहित्य परिषदके जे स्थापना भेलै तऽ एकर मतलब साहित्यके माध्यम बनाकऽ जे छै से ई अपन ई जे अधिकारके बात छलै से ओहिठाम जे सुनाइल क्षेत्रमे समय जे छै एतेक छोट भऽ जाइत छैक जे ईसबपर चर्चा हमसब जे करऽ लगैत रहै छी तऽ चर्चा खत्म नहि होइत रहैत छैक। त
ई कार्तिक धवल त्रयोदशी आई जे छै हमसब काठमांडू में केहन तरह कार्यक्रम सब कऽ रहल छी से एकदम अंतिम में जे छै आई जे छै से अही में हम प्रसंग जोड़ जनु पहिनो ई ठमन बहुत रूप में विद्यापति स्मृति पर्व मनायल जाइ छले काठमांडू छै एहिठमन जे छै से लोक केओ नौकरी मे यऽ केओ इसकुल मे विद्यार्थी अइ कि तऽ लोक जे छै नौकरी मे तऽ एकटा की छै ओही दिन मे करब जे छै से काठमांडू मे कठिन छलै तैं जे छै से और दोसर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नहि छलै जेकि प्लेटफॉर्म पर जे छै से ई मधेश के अधिकार के बात मिथिला के अधिकार के बात कयल जाने तै तऽ कहियो जे छै से अहाँ देखने हेबै जे प्रज्ञा प्रतिष्ठान में चाहे हमसब तो ओना देखल जाय छै भैर कार्तिक मनबै छै शुरुआत आइ सँ कऽ कऽ आ भैर कार्तिक मनबै तऽ हमरा सब के एकटा शुरुआत की केनु जे महत्वपूर्ण ई काठमांडू में दोसर ठाम होबऽ चाही जे बलखू में वही के एकटा शुरुआत करय दुआरे बच्चा के माध्यम बनेलहुँ और काठमांडू के बलखू में जे छै से बच्चा सब के माध्यम बना कऽ हमसब आइए के दिन में जे छै से विद्यापति स्मृति पर्व मनबै के शुरू केलहुँ और ई बहुत स्पेशल बहुत विशिष्ट ई एहि माध्यम सँ हम कहि रहल छी ई अखनो कतौ जे छै से एहि के शुरुआत नहि कयलनि हँ हम कहै छियनि जे सुनैत हेता से एहि तरह परम्परा शुरू करत ओ नीक हेतै केना तऽ काठमांडू बलखूमे जे होइए जे विद्यापति स्मृति के पर्व तऽ मनायले जाइए ताहिके सङ्गे सङ्गे तऽ विद्यापति के बाद मे तऽ आइ धरि और साहित्यकार तऽ भेल छथि निश्चित और समाजसेवी तऽ भेल छथि जिनका हमसब नहि याद कऽ रहल छियनि तऽ आइ के दिन मे सबके किया नहि यथाशक्ति याद कयल जाय जी तऽ ताहि रूप मे बलखू मे जे छै से मनायल जाइए और एहिमे अथीसँ हम ई फेर याद करब जे ओहिठाम तऽ कयले जाइए हमरा जते तऽ जनतब यऽ जे विद्यापति स्मृति पर्व मनाबऽ के कॉन्सेप्ट और ओहिमे सक्रिय भूमिका भोला लाल दास के छलनि जी ताहि दुआरे हम जे छै से बलखू मे विद्यापति के सङ्गे सङ्गे भोला लाल दास के संगे राखि कऽ जे छै से संयुक्त रूप मे संयुक्त रूप मे और महोत्सव के रूप मे हमसब बनबै छी ताहि के सङ्गे से डॉक्टर धीरेन्द्र होथि चाहे हरिमोहन झा होथि चाहे और लोक सब होथि जतेक हमरा उपलब्ध होइए ओहि सबके चर्चा कोनो ने कोनो रूप मे कऽ के एकरा मनबै छी जी समय देलियै अपने ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमरा जे छै से ई अवसर भेटल एहिठमन श्रोता सबके दर्शक के अपन विचार सुनबा के ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद तऽ दर्शकवृन्द आजुक प्रस्तुति केहन लागल सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया के लेल संपर्क कर सकै छी मधेश दर्पण 2017@gmail.com पर तऽ आजुक कार्यक्रम सँ सब गोटा संग हमरो दिय विदा बेस त नमस्कार जय कृषि जय किसान समृद्ध मधेश नेपालक शान देखैत रहू कृषि टेलीविजन